प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। और एक्सरसाइज 1.6 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें घातांक से संबंधित कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम है उसकी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो हमारे पास मान लो कोई भी ए हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या है। ए हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या है और ए कैसी है? जीरो से बड़ी है। ए बड़ी है जीरो से। और पी और क्या हो? परिमेय संख्या है। ए क्या है? ए कोई भी वास्तविक संख्या है जो जीरो से बड़ी है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। पी और क्या वो परिमेय संख्या ही है। तो जो घातांक के नियम है वो हमारे पास चार जो इंपॉर्टेंट नियम है, पहला है उसमें मान लो हम लिखें ए रेस टू पावर पी इंटू ए रेस टू पावर क्यू, ए की घात पी गुना ए की घात क्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इसकी पावर पी प्लस क्यू। तो इसको हम सामान्य शब्दों में, सिंपल से वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि अगर गुणा करते वक्त अगर आधार बराबर हो तो शक्तियां आपस में जुड़ जाती है। देखो गुणा है बीच में, तो अगर आधार बराबर है, आधार सेम है, तो जो शक्तियां हैं जो घात है वो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपके पास है 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 7। अब आप ये देखना, ध्यान रखना है आधार सेम होना चाहिए, दोनों जगह पे ए है तो दोनों जगह पे 2 ही होना चाहिए। ऐसे ना हो कि 2 की पावर 3 और 7 की पावर 5, ऐसा नहीं, आधार बराबर होना चाहिए। तो आधार अगर बराबर है तो ये शक्तियां आपस में जुड़ जाएंगी, 3 जमा 7 यानी कि 2 की पावर 10। यहां नहीं कर सकते हम क्योंकि ये तो आधार बराबर ही नहीं है, तो ये नियम यहां पे लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे आधार बराबर हो तभी हमें ये नियम अप्लाई करना है। दूसरा है हमारे पास कि मान लो हमारे पास ए उसकी पावर पी है और उसकी भी पावर क्यू है, तो इसका जो मान होगा ए की इन दोनों की गुणा हो जाएगी पी क्यू, ए रेस टू पावर पी क्यू। मान लो हमें 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 है, तो हम इसको 2 की पावर 3 × 4 यानी कि 2 की पावर 12 लिख सकते हैं हम इसको। दूसरा हमारे पास ये नियम हो गया। तीसरा जो हमारे पास नियम है उसमें है हमारे पास मान लो ए रेस टू पावर पी डिवाइड बाय ए रेस टू पावर क्यू है बटे में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेस टू पावर पी माइनस क्यू। ये आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है। देखो इसको हम इस तरह से देखते हैं, 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 3 ये लिखा। इस नियम में देखो आधार तो बराबर ही है फिर भी, तो अगर ये बटे में है तो माइनस होगी, गुणा करते वक्त तो क्या होगी? प्लस होगी, और भाग करते वक्त तो क्या होगी? माइनस होगी जब आधार बराबर है। तो अब देखो इसका इसके हिसाब से क्या मानना चाहिए, यहां पे भी ए यहां पे भी ए, ये पी ये क्या हो? तो ए हमारा 2 है, पी हमारे पास 5 है, क्या हमारे पास 3 है, तो 5 − 3 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। देखो ये कुछ नहीं है, आप देखो 2 की पावर 5 है, इसको क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ही तो लिखोगे, और नीचे वाले को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2, तो ये 3 कट गया हमारे पास, तो कितना रह गया? 4। तो कुछ भी नई बात नहीं है, बस ये कह रहा कि आधार अगर बराबर है तो अगर भाग में एक दूसरे के तो माइनस कर दो उनको, बस आंसर। फोर्थ है हमारे पास ए रेस टू पावर पी इंटू बी रेस टू पावर पी, ये गुना है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इट्स पावर पी। यानी कि अगर हमारे पास
दो की पावर सात गुना तीन की पावर सात है। देखो ये उस जैसा लग रहा है कुछ कुछ, लेकिन है अलग। यहां पे आधार बराबर है, यहां पे शक्तियां बराबर है। अब देखो यहां पे शक्तियां बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, दो गुना में तीन इसकी पावर सात लिख सकते हैं। देखो इसको अगर हम इस तरीके से समझे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब देखो मैं इसको अगर ऐसे समझू, ए बी इट्स पावर पी है, तो क्या कहे पावर दोनों को दे दी, बस ए की पावर पी हो गया और बी की पावर पी हो गया। तो इस तरीके से समझना ज्यादा आसान रहता है। तो ये हमारे पास फोर्थ नियम हो गया। इसके बाद एक और आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लो टू की पावर माइनस थ्री है, तो इसको अगर पावर को हमें प्लस में लिखना है तो इस टाइम ये ऊपर अंश में है तो इसको हर में लिख देंगे, यानी कि ये एक बटा दो की पावर तीन लिख देंगे इसको। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मान लो अगर आपके पास तीन बटा एक्स की पावर चार की पावर पांच है और हम इसको ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो देखो तीन तो हमारे पास था ही, तो तीन गुना में चार की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो निशान बदल देंगे तो ये माइनस पांच हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे लेके आए या नीचे से ऊपर लेके आए तो जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बेहद आसान से क्वेश्चन है, आपको पहले ही आते हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको आते ही हैं लगभग लगभग। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64 इट्स पावर 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये तो देखो देखने से ही पता चल रहा है, जैसे 64 है पावर 1/2 का मतलब तो रूट होता है, तो 64 का रूट कितना होता है 8, तो 8 इसका आंसर आ गया। ये तो जनरली देखने से ही पता चल रहा है। अदरवाइज दूसरे तरीके से, जैसे सबका तो ऐसा नहीं होगा तो फिर जनरल कैसे चलेंगे, आपने क्या करना है 64 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लो। दो पे किया तो 32 आ गया, फिर दो पे किया तो 16 आ गया, फिर दो पे किया तो 8 आ गया, दो पे किया तो 4 आ गया, दो पे किया तो 2 आ गया और फिर दो पे किया तो 1 आ गया। तो यानी कि हम 64 को लिख सकते हैं दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ, तो हमने इसको लिख दिया दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना में दो और इसकी पावर 1/2। अब ये हमारे पास कितना है, 2^6 और उसकी पावर 1/2। अब देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए रेस टू पावर पी और उसकी पावर क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए रेस टू पावर पी गुना में क्यू, यानी कि पी क्यू। तो यहां पे हमारे पास देखो ये ए रेस टू पावर पी और ये क्यू, तो हम लिख सकते हैं 2/6 गुना में 1/2। तो ये इसके साथ कट के 3 आ गया, तो हमारे पास कितना रह गया 2^3 रह गया। तो 2^3 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 2, तो 2 × 2 = 4 × 8, 6 मत कर देना गुना करनी है, 2 × 2 = 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो यही है, ये तो बेसिक था लेकिन हमें चलना ही इस तरीके से है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होंगे। तो ये तो चांस की बात है, उसने एक आसान सा क्वेश्चन शुरू में दे दिया, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है 32 इसकी पावर है 1/5, तो 32 को हम बना लेते हैं, 2 पे किया तो 16, फिर 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया 4, 2 पे किया 2 और फिर 2 पे किया तो 1, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 2, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी कि 2^5। तो यहां पे लिख दो भाई 2^5 और इसकी पावर 1/5, फिर वही नियम लागू हो गया, ए की पावर पी और इसकी पावर क्यू, तो कितना हो जाएगा ए पी क्यू पावर में, तो यहां 2^5 × 1/5, तो ये कट जाएगा 2^1, यानी कि कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेहद बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारे पास, ये था सेकेंड पार्ट। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड भी इसी तरह से बिल्कुल आसान पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें 125 इसकी पावर 1/3,
इसके लिए सोल्व कर ले तो पहले हमें 125 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। अब ये दो पे नहीं होगा, पांच और दो सात और एक आठ तीन पे भी नहीं होगा, तो पांच पे तो पक्का हो ही रहे। पांच दो दस, पांच पंजे पच्चीस, फिर पांच पे किया पांच पंजे पच्चीस, फिर पांच पे किया एक, यानी कि हम 125 को लिख सकते हैं पांच गुना पांच गुना में पांच, तो पांच पंजे पच्चीस 125, तो 125 यानी कि ये पांच की पावर तीन आ गया, तो हम इसको लिख देंगे पांच की पावर तीन और उसकी पावर भी एक बटा तीन। तो वही बात होगी ए रेज टू पावर पी और इट्स पावर क्या हुआ, तो ए रेज टू पावर पी क्या हो जाएगा, तो यहां पांच तीन गुणा में एक बटा तीन, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो पांच की पावर एक यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, पांच इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट थर्ड और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है।